मात्र 100 रुपये 800 है। इसको अभी हम ट्रायल लेके आए हैं LPG पे, ये 80 से ऊपर नहीं चल रही है और पेट्रोल पे पूरा चल रही है। अभी हम देखते हैं इसमें क्या कमी है। अब ये गैस पे है, गैस से पिकअप देके देखते हैं पूरा है कि नहीं है। इसमें हम इसको चेक करते हैं कि इसमें गैस पूरी आ रही है या नहीं आ रही है। उसके लिए हम एक पाइप खोलेंगे। तो गैस पूरी नहीं मिल रही है, अगर फिल्टर चोक होगा तो यहाँ गैस पूरी नहीं आएगी, और अगर यहाँ गैस पूरी आती है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका वेपोराइजर गंदा है। खोल के देखते हैं। इधर से भी डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि ये बस चेक होती है अच्छी तरह से। देखिए गैस गैस पूरी आ रही है, और जब यहाँ से गुजर के फिल्टर से इधर पास गैस पूरी आ रही है तो वेपराइजर में जानी है, और वेपराइजर में जाके ही इंजन में जाती है, और इसको पूरी गैस नहीं मिल रही है इसलिए इसका पिकअप कम है। तो अभी हम इसको खोलेंगे, देखेंगे इसको गंदी है तो साफ़ करते हैं फिर फिट करते हैं। छाता ला, छाता ला, बोलो भाई ना, तुमने क्या चले गए, राम दो बंद कर लो मशीन द्वारा वो मतलब है ना, खड़ी कर ले ऊपर खड़ी, नीचे नीचे काम हुई पहिया खुल ले, 10 लाख लेके छोड़ चुके हैं। प्लास देखो मांग के चला गया, जब हमें कोई जरूरत होगी प्लास से पकड़ के प्लास। अरे प्लास दे दियो, बोल रहा है दोस्तों बंद कर लो, तो इसका काम कर लो। स्टीको बहुत
आराम से निकालना चाहिए, ये धोखे में अगर टूट जाती है तो वेपराइजर दूसरा डालना पड़ता है, अलग से मिलती नहीं है। इस पाइप को बहुत आराम से निकालना चाहिए। देखो कपड़ा लाना है, कपड़ा हजे में करी कपड़ा दे दो। कपड़े बड़े ये बहुत नाजुक होती हैं।
ये देखिए बहुत नाजुक टी होती है, पहले से उखड़ी हुई थी तो वो हिसाब से बोलना चाहिए, पहले से जुड़ी हुई है लाइट से। और खोलते कौन सी बोलो 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 आ रहे आठ नंबर ही रहे मानो ना रजिट करो बड़ी जल्दी आ रहे हैं। रबड़ मन निकालना अच्छा फिर मिलेगी नहीं इसको इधर कट कर देंगे हम ठीक है। इसमें खुराक में कचड़ा है साफ करना इधर फूंक दे लेना ठीक। इसमें हुआ क्या था पता, ये जो है इसका ऐसे पड़ा होता है इसमें तिरछा हो गया था इस तरह से, ये दबता नहीं था लीवर ठीक है, कभी पूरी गैस हो जाती थी बीच में होता था चलता पूरा, बाकी तो गंदगी नहीं निकली है। जब भी बोल लो साफ कर लो साफ कर लो बोल रहे। यहाँ से गैस जाती है इस पॉइंट पे आती है, इस पॉइंट पे आने के बाद में ये यहाँ लीवर से इस तरह से ओपन रहती है, अगर इसमें गैस भर जाती है तो ये पर्दे पर्दा लगा होता है, जब गैस भरती है तो ऊपर को उठता है, ऊपर उठता है तो कितना आनी होती है, आने के बाद उसके बाद ये बंद हो जाती है। अब उसके बाद प्रक्रिया ये है कि फिर ये जो इतने गैस की बंद हो गई उसके बाद ये यहाँ से आके ये गैस फिर यहाँ इस पॉइंट पर आती है, इस पॉइंट पर इस गैलरी से इस पॉइंट पर आती है, इस पॉइंट पर आने के बाद में ये लीवर लगा हुआ है, इस पॉइंट पे आने के बाद में ये यहाँ इस तरह से ये लगा रहता है लीवर, यहाँ पे रुकी रहती है और ये यहाँ से इंजन में गैस जाती है, इंजन अपनी तरफ खींचता है, स्थल बनाते हैं इंजन अपनी तरफ खींचता है एयर को, तो ये इस तरह से पर्दा लगा होता है, जब खींचता है एयर को तो ये दबता है नीचे को, जब ये दबता है तो ये लीवर भी नीचे को दबता है इस तरह से, और जब लीवर नीचे को दबता है तो यहाँ से गैस जो है इस पॉइंट से इसका पॉइंट थोड़ा खुल जाता है, देखिए इस तरह से दबेगा खुलेगा, ऐसे बंद है जब दबेगा तो खुलेगा, तो यहाँ से गैस निकलती है और गैस निकल के उसके खुराक के थ्रू इंजन में जाती है, जब इंजन में जाती है तो गाड़ी जितनी कह जाती है उस हिसाब से चलने लगती है।
आडम्बला पेपर स्कूल कसे चले इसका सोलो नट है, इससे इसकी स्लो स्पीड सेट होती है या इससे इसमें इसका असर लगता है। इसमें बंद टेस्टिंग करता है स्लो पे भी भरनी पड़ेगी। एक पड़ गया, एक पड़ गया, डाल दे यार, उनके पक्के नहीं डाल पाए। डाल दो सही, अभी उनमें टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा ना मेरे इंजन में भी। वाला कसने वाला भाई दवा कम इतना पड़ा इतना मचाई है ले छोड़ो भिजवा दो सही हो जाए। अच्छा
समझ गए अपने आप जाओ सुनी किट देखिए मैंने फिट कर दिए हमारी स्टार्ट है स्क्रूजर की सुबह सेट करते हैं सो अगर इंजन हंटिंग कर रहा हो या स्टार्टिंग लेट हो ओवर हो रहा हो तो इसी से सेट करते हैं जहाँ पे गाड़ी स्मूथ रुक जाती है ज़्यादा इंजन नहीं हिलता है वहाँ पर सेट करते हैं और आपको दिखाएंगे कितना इसका पिकअप अब सही हो गया है पहले पूरा पिकअप नहीं था